जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक गांव में ऐसा प्रसंग बना कि पड़ोसी 5-10 परिवारों में जुड़वा बच्चों का जन्म। तब एक प्रश्न पैदा हो गया कि आजकल ये जुड़वा बच्चे क्यों जन्म लेते हैं। तब एक समझदार आदमी ने कहा कि आज की दुनिया में भय बहुत, आतंक बहुत, डर ही डर है, इसलिए अकेला बच्चा आने से भी डरता है, इसलिए कहें दो मिलकर आते हैं। तो एक और दो, उपनिषद में तो ये कहा गया द्वितीयाद्वै भयम्, व्यवहार में तो ये कहा जाता है अकेले को डर लगता है, और उपनिषद का ये सूत्र है द्वितीयाद्वै भयम्, जहाँ दूसरा है वहाँ डर होता है, अकेले में कोई डर नहीं होता। तो ये एक और दो, इन दो शब्दों के आधार पर बहुत मीमांसा विचारणा हुई है। एक अकेला व्यक्ति है, एक का अर्थ व्यक्ति, और दो या अनेक का अर्थ होता है समूह, समाज, समुदाय। अब दोनों में संघर्ष भी है, दोनों सापेक्ष भी है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। बहुत लंबी चर्चा व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और समूह के विषय में होती रही है। हम व्यक्ति को सब कुछ मानकर समाज को गौण नहीं कर सकते, और समाज को सब कुछ मानकर व्यक्ति को भी गौण नहीं कर सकते। दोनों की सापेक्षता ही एक समीचीन सिद्धांत बनता है कि व्यक्ति की अपनी वैयक्तिक विशेषताएं हैं, उनको सामुदायिक नहीं कहा जा सकता। जैसे ज्ञान व्यक्ति की अपनी विशेषता है, यह सामाजिक नहीं हो सकता। संवेदन व्यक्ति की विशेषता है, संवेदना सामुदायिक नहीं होती। किसी के पैर में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई, और कुछ शरीर में चोट लगी, तो दूसरा सहानुभूति प्रकट कर सकता है, पर वेदना को नहीं बता सकता, बांट नहीं सकते, क्योंकि वह संवेदन अपना होता है, उसका विनिमय नहीं होता। सहानुभूति तो होती है। एक विद्यार्थी ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, पट्टा दाएं हाथ के मत बांधिए। डॉक्टर ने कहा, चोट इसी में लगी है, तब कैसे नहीं बांधूंगा? कह नहीं, बाएं हाथ पर बांध दीजिए। डॉक्टर ने कहा, मूर्खता की बात करते हो, चोट लगी है दाएं हाथ पर, पट्टा बंधाना चाहते हो बाएं हाथ पर। बोला, नहीं डॉक्टर साहब, मैं ठीक कहता हूँ, मगर इस पर पट्टा बांधेंगे तो मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। क्यों? कि जब मैं स्कूल में जाऊँगा तो मेरे साथ ही मिलेंगे, तो हाथ को झकझोर कर पूछेंगे तुम्हारे क्या हुआ, तो हाथ में बहुत पीड़ा हो जाएगी, इस हाथ को हिलाएंगे, पट्टा बांध दो तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। तो सहानुभूति होती है, संवेदना और सहानुभूति। अब किसी बीमार को कोई कष्ट है, दूसरे सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं, पर वेदना का विभाग नहीं कर सकते। अनाथी मुनि का प्रसंग है कि आंख में बहुत भारी वेदना हो गई, और इतना बड़ा धनी परिवार था, सब कुछ किया, आखिर
वेदना का कोई हिस्सा नहीं ले सका। अनाथी ने स्वयं कहा कि सब कुछ था पर मेरी वेदना को कोई भी ले नहीं सका। तो ये नितांत वैयक्तिकता है, ज्ञान वैयक्तिक, संवेदना वैयक्तिक, अनुभव वैयक्तिक, और भी कुछ बातें वैयक्तिक होती हैं, किंतु पदार्थ वैयक्तिक नहीं होता, वस्तु वैयक्तिक नहीं होती। इसीलिए समाज शास्त्र का एक सूत्र भी है कि संपत्ति सारी समाज की होती है। हमारे धर्म संघ का भी सूत्र है कि जो कुछ है वह सब संघ का होता है, व्यक्ति का नहीं होता। वास्तविक सूत्र एकदम, पदार्थ पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, ज्ञान पर हो सकता है। एक व्यक्ति इतना बड़ा ज्ञानी है, दूसरा उसका भाई है वह बिल्कुल अल्पज्ञ, ये तो हो सकता है। पर जहाँ धन है तो हिस्सा होगा, तो दोनों भाइयों का आधा आधा होगा, 50-50% होगा, वहाँ यह नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ा विद्वान है, इसको तो 90% और अनपढ़ है, कमजोर है, उसको 10%, ये हो नहीं सकता। अगर होता है तो अन्याय होता है। तो हम दोनों बातों में स्पष्ट रहे कि कुछ वैयक्तिक विशेषताएं और कुछ सामूहिक वस्तुएं, सामूहिक। हमारे धर्म संघ में इसका बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है। जैसे एक मुनि का पात्र है, उस पर नाम रहेगा मुनि मोहजीत कुमार, ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा कि मुनि मोहजीत कुमार की पात्री, ऐसा लिखे तो गलत हो जाएगा। उस पर लिखना होगा मुनि मोहजीत कुमार की निस्त्रा में पात्र। इसका मतलब है कि उपयोग के लिए मेरे पास है संपत्ति संग की, मेरी नहीं, पात्र मेरा नहीं है। पात्र उपकरण, वस्त्र आदि जो कुछ पदार्थ है और जो धर्मोपकरण है, उस पर भी मेरा अधिकार नहीं है, मेरा नहीं है। अगर कोई कह दे मेरी पात्री तो गलत होता है। मेरी निस्त्राय की पात्री मतलब काम लिए लेने के लिए मुझे दी गई पात्री है। तो इसका अर्थ साफ है कि सामुदायिक और पदार्थ दोनों का संबंध है। पदार्थ समूह का होता है, समुदाय का होता है, समाज का होता है, व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। आज की समस्या तो यही है कि संपत्ति वैयक्तिक बन गई। यह संपत्ति की वैयक्तिकता ही आज समस्या पैदा कर रही है। उत्तराध्ययन सूत्र का एक सुंदर वाक्य है, संजोगा विप मुक्कस्य अणगारस्य भिक्खुणो। साधु के तीन लक्षण बतलाए गए। पहला लक्षण है संयोग से मुक्त है। जितने संयोग हैं, माता पिता भाई अथवा पति पत्नी आदि आदि सारे संयोग हैं, इन सब संयोगों से मुक्त हो जाता है। हमें भी ध्यान देना है, साधु साधियों को, श्रमण श्रमणियों को ध्यान भी देना है कि संयोग से मुक्त होकर और फिर पारिवारिक मोह की बात मन में नहीं आनी चाहिए। जब संयोग से मुक्त हो गए तो बस फिर संबंध तो उतना ही जितना एक साधु के नाते एक किसी गृहस्थ के साथ होता है। संयोग की बात बीच में नहीं आनी चाहिए और लगाव नहीं होना चाहिए। लगाव हो तो धार्मिक धर्म का सहयोग दिया जा सकता है, और लगाव नहीं, उनके साथ वैसा संबंध नहीं कि जिससे अपनी साधुता में कोई स्खलन आ जाए। बहुत सारे साधु भी बन जाते हैं, घर को छोड़ देते हैं और फिर
धन को इकट्ठा करते हैं और परिवार वालों का भरण पोषण भी करते हैं। यह फिर जनता के साथ अन्याय होता है। हमारी मर्यादा तो यह है कि गृहस्थ से जो ले आवश्यकता हो तो रखे, आवश्यकता न हो तो वापस उसी को दे, किसी दूसरे को न दे। अगर दूसरे को दिया जाता है तो वह चोरी हो जाती है। चोरी है कि पराई वस्तु ली और फिर दूसरे को दे दिया, इसका मतलब चोरी है, साफ चोरी हो जाती है। और चौर्य महाव्रत का खंडन भी होता है। अप्रामाणिकता होती है, अनैतिकता होती है, अप्रामाणिकता है। प्रामाणिकता यह है कि जिससे जो चीज प्राप्त की और उसने संयमी समझकर दी तो उसका उपयोग हो तो करे, अगर लगे कि उपयोग नहीं है तो फिर उसी को दे वापस। अथवा वह कोई नाम बता दे कि अगर आपके काम न आए तो अमुक व्यक्ति को दे सकते हैं तो उसको दें, किंतु अनुमति के बिना अगर ऐसा होता है तो वह चोरी है। तो सामुदायिक जीवन की कुछ मर्यादाएं हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है कि समुदाय समूह में जो नियम अलग होते हैं, व्यवस्थाएं अलग होती है, और व्यक्तिगत जीवन की व्यवस्थाएं सारी अलग होती है। तो हम सामुदायिकता की नियमावली को भी पढ़ें, समझें कि सामुदायिकता में क्या क्या करनी होता है। कठिन बहुत है सामुदायिक चेतना का जागरण, क्योंकि मूल प्रकृति है व्यक्तिवाद, अपना सुख, अपनी सुविधा, अपना भोग, अपना धन, अपना मकान, ये सारा संयोग होता है। इसीलिए संयोगा विप्रमुक्तस्य, संयोग से मुक्त होना साधुता का पहला लक्षण है, कि संयोग से मुक्त रहना। जितने भी संयोग है उनको मानना कि संयोग है, और एक दिन निश्चित इनका वियोग होने वाला है, उनमें आसक्त नहीं होना, लिप्त नहीं होना है। ये संयोग मुक्त चेतना जब यह होती है तो हमारी पदार्थ के प्रति आसक्ति भी कम हो जाती है, अन्यथा पदार्थ के प्रति आसक्ति होती है। व्यक्ति समुदाय कब बनता है? व्यक्ति की अपनी वैयक्तिकता है, पर समुदाय कब बनता है कि वह पदार्थ के साथ जुड़ जाता है। पदार्थ के बिना जीवन नहीं चलता, इसलिए इस माने में वैयक्तिकता नहीं है, सामुदायिकता है। क्योंकि पदार्थ के बिना काम नहीं चलता, रोटी पानी कपड़ा मकान दवा आदि आदि जितने पदार्थ हैं उनके बिना किसी का जीवन नहीं चलता, सबको चाहिए। गृहस्थ की बात नहीं, साधु का जीवन भी नहीं चलता। तो इस अर्थ में साधु भी सामाजिक प्राणी बन जाते, सामुदायिक बन जाते, क्योंकि समुदाय का पूरा उपयोग करते हैं। किंतु सामुदायिक चेतना को हम विश्लेषित करें तो हमें दो भूमिकाओं पर जाना होगा कि सामुदायिकता को कोई छोड़ भी नहीं सकता, इसलिए सामुदायिकता बहुत जरूरी है, और सामुदायिकता ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि जहां वैयक्तिकता को हानि पहुंचे। दोनों दिशाओं में चलना है, वैयक्तिकता को भी सुरक्षित रखना है और सामुदायिकता का भी उपयोग करना है। एक सुरक्षित रखने का प्रश्न, एक उपयोगिता का प्रश्न। यह हमारी उपयोगिता का प्रश्न है, और इसका कारण अकेला व्यक्ति जी नहीं सकता, दूसरों का सहयोग लिए बिना कोई भी नहीं जी सकता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बड़े होते हैं उनको तो और ज्यादा सहयोग की जरूरत रहती है, कोई जी नहीं सकता। इसलिए सामुदायिकता का सम्मान करना होता है कि हमारा जीवन सामुदायिक है। हम दर्शन की भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि आत्मा वैयक्तिक है और जीवन सामुदायिक है। आत्मा तो वैयक्तिक है,
अस्तित्व सारा वैयक्तिक होता है, किंतु आत्मा अभी तो शरीरधारी है। कोई भी शरीरधारी कोरा वैयक्तिकता की भूमिका पर नहीं जा सकता। शरीरधारी है उसे समुदाय की, समाज की भूमिका पर भी करना होता है। अगर कोरी आत्मा की बात होती, न तो किसी को प्रवचन देने की जरूरत और न किसी को प्रवचन सुनने की जरूरत, सब बस अपने अपने में है। किंतु सामुदायिकता है, जो व्यक्ति जानता है वह दूसरे को बताता है, शिक्षा चलती है, प्रयोग चलता है, पढ़ाई चलती है, व्यवसाय चलता है, एक दूसरे का सेवा सहयोग का भाव चलता है, ये सारे चलते हैं। ये सारे सामाजिक तत्व हैं, यानी सामुदायिक, ये वैयक्तिक नहीं है। तो हमें सामुदायिकता की भूमिका को पूरा समझना है कि जहाँ सहानुभूति, सेवा, सहयोग, सापेक्षता के बिना जीवन नहीं चलता। इसलिए हमें सामुदायिकता का विकास करना है, सामुदायिक चेतना का विकास करना है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में रहता है और सामुदायिक चेतना का मूल्यांकन नहीं करता, वह अच्छा जीवन नहीं जी सकता। एक व्यक्ति कहता, मैं तो साधना करता हूँ और मैं अपने आप में रहूँगा, मुझे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, साधना भी नहीं चलेगी, दूसरे का सहयोग लेना पड़ेगा, जीवन में लेना आवश्यक है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि कोई व्यक्ति हिमालय की गुफा में जाकर बैठ जाए, वह भी दूसरे का सहयोग लेता है, हवा का सहयोग लेता है, ऑक्सीजन लेता है, नदी का पानी लेता है, झरने का पानी लेता है, हवा लेता है, पानी लेता है, और खाने को वहाँ से, चाहे पेड़ पौधे खाए के फल खाए, कुछ भी खाए, वनस्पति जगत का सहारा लेता है। सहारे के बिना शरीर नहीं चल सकता। हम साफ समझ लें, आत्मा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि वास्तव में वह अकेली है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। और शरीर सहारे के बिना चल नहीं सकता, क्योंकि शरीर स्वयं पदार्थ है, पदार्थ पदार्थ के बिना नहीं चल सकता। तो हमें स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी शरीरधारी दूसरे का सहयोग लिए बिना जीवन जी नहीं सकता। इसलिए सामुदायिक चेतना का जागरण जरूरी है। यदि सामुदायिक चेतना नहीं है तो फिर वे अवांछनीय व्यक्ति बन जाता है। शरीरधारी तो है और उसमें सामुदायिक चेतना नहीं है तो वह अवांछनीय व्यक्ति बनेगा। कोई भी उसको पास में रखना नहीं चाहेगा, किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, हम क्यों पास में रखें। हमें तो वह चाहिए जो हमारा सहयोग कर सके। सहयोग एक इतना बढ़िया शब्द है कि योग, सहयोग एक साथ जोड़ जुड़ाव है। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, यह सहयोग है, दोनों का एक साथ मिला हुआ योग है, अकेले का नहीं है। यह सामुदायिक चेतना का बड़ा सूत्र है, सहयोग, परस्पर में एक दूसरे का सहयोग रहे। और जब यह सहयोग मिलता है तो जीवन अच्छा चलता है। मैं अकेला रह गया, यह बात सुनने को मिलती है, मैं अकेला रह गया, यह सच्चाई है कि सामुदायिक जीवन में अकेला होना समस्या है। और
साधना के क्षेत्र में अध्यात्म की भूमिका में अकेला होना सर्वोत्तम बात है। कोई पूछे अकेला होना अच्छा या नहीं, तो आप स्पष्ट रहें कि समाज की भूमिका में अकेला होना अच्छा नहीं है और साधना के क्षेत्र में अकेला होना अच्छा है, पर वह साधना के क्षेत्र की बात समुदाय के क्षेत्र में न लाए। कोई बीमार है पड़ा है, कभी सेवा करो कि कौन किसका सगा है, आत्मा अकेली आती अकेली जाती है, मैं किस किस का करूँगा, यह दुरुपयोग हो गया। यह साधना की क्षेत्र की जो मान्यता है, व्यक्तिवादी मान्यता, उसका दुरुपयोग हो गया। आचार्य तुलसी ने बहुत वर्ष पहले जब मुंबई चतुर्मास कर रहे थे तब कहा था कि जहाँ व्यक्तिवाद है वहाँ तो समाजवाद का उपयोग हो रहा है, जहाँ समाजवाद है वहाँ व्यक्तिवाद का उपयोग हो रहा है, जहाँ अनैतिकता है भ्रष्टाचार है। बस वैयक्तिक बात है, कोई कहे कि तुम अनैतिक व्यवहार करते हो, कि मैं क्या करता हूँ, सब लोग करते हैं, यह समूहवाद का दुरुपयोग हो गया कि सभी करते हैं, मैं अकेला थोड़ा ही करता हूँ। तो यह एक दुरुपयोग होता है और यह अपने स्वार्थ के कारण होता है। सामुदायिक चेतना का पहला एक व्यवहार होगा, उपयोग होगा, कि स्वार्थ चेतना का सीमाकरण है। यह पहला सूत्र होगा कि स्वार्थ चेतना का सीमाकरण। स्वार्थ को आदमी छोड़ तो नहीं सकता, क्योंकि स्वार्थ इतनी बड़ी प्रेरणा है कि कोई भी आदमी स्वार्थ को नहीं छोड़ सकता। कोई कहे ना कि मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं है, तो मानना ये झूठ बोल रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता कि स्वार्थ तो एक स्वतः आंतरिक प्रेरणा है, और स्वार्थ कोई बुरी बात नहीं है, अपना स्वार्थ अच्छी बात है, पर स्वार्थ का सीमाकरण हो। और सीमाकरण यह है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे को हानि न पहुंचाए, दूसरे को चोट न करे, दूसरे के कार्य में बाधा न डाले, तो स्वार्थ कोई बुरी बात नहीं। जहाँ स्वार्थ की सीमाकरण, इसलिए हम कह रहे हैं ना, स्वार्थ का सीमाकरण असीम नहीं, स्वार्थ का सीमाकरण हो, यह सामुदायिक चेतना का बहुत आवश्यक सूत्र है। जहाँ सीमाकरण न हो, खुद तो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहिए, दूसरों की अपेक्षा रखे। बात बहुत बार मैं कहता हूँ, बहुत जानी हुई बात है, कि वे चार मित्र मिले थे कि आज पिकनिक के लिए जाना है, पिकनिक करना है, तो बोले क्या करोगे, आज तो खीर बनाएंगे। तो एक बोला कि दूध मैं ले आऊँगा, तुम लाओ क्या लाओगे, कि मैं चावल ले आऊँगा। तीसरे से पूछा तुम क्या लाओगे, कि मैं चीनी ले आऊँगा। चौथे से पूछा तुम क्या लाओगे, कि मैं मेरे भाई भतीजों को खाने के लिए ले आऊँगा। यह स्वार्थ की सीमा का अतिक्रमण है, अतिरेक स्वार्थ है। यह है तब सामुदायिक चेतना जागृत नहीं हो सकती। सामुदायिक चेतना के लिए जरूरी है पहली शर्त का स्वार्थ का सीमाकरण। बस यह इतनी बात समझ में आ जाए तो फिर अगले सूत्रों के बारे में और भी चर्चा की जा सकती है। ओम आर्य। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।